दोस्तों, मैं मुकेश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए ब्लॉग के साथ, एक अलंग के नए प्लॉट की जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम जो प्लॉट पे आए हैं वो प्लॉट का नाम है भगवती सेठ। उस प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको तालपति, पाना सेट, टूल्स से लगती सभी आइटम जैसे कि ग्राइंडर, ड्रिल, जैक्स, बॉक्स, पाना पेटी, सर्विस पंप और कटर, अलंगी, स्पेयर आइटम और LED लाइट, तेमत इलेक्ट्रिक केबल, ये सभी आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, इस प्लॉट के एड्रेस की बात करें तो प्लॉट आया है गोपनाथ होटल के एग्जैक्ट सामने, SBI का जो ATM है उसके एग्जैक्ट सामने, अलंग सी पैकिंग, ये प्लॉट का एड्रेस था। और दोस्तों, अब इस प्लॉट की ज़्यादा जानकारी के लिए हम प्लॉट के अंदर जाएंगे और प्लॉट के ऑनर से हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। और एक बात दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो और हमारा ये इन्फॉर्मेशन जो हम फ्री में देते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक दूसरी बात दोस्तों, अगर आप अपने किसी भी छोटे बड़े बिजनेस को YouTube के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हो तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे देंगे। हम YouTube के माध्यम से आपके छोटे बड़े किसी भी बिजनेस को 1,00,000 से भी ज्यादा व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, तो चलते हैं हम और प्लॉट के अंदर। हम प्लॉट के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ है प्लॉट के ओनर पार्गव भाई, जो हमें यहाँ पे जो मिलने वाली टोटली आइटम है उसके बारे में हम बताएंगे और रेट भी बताएंगे। तो पार्गव भाई, मैं जानना चाहूँगा और हमारे कस्टमर, हमारे जो सब्सक्राइबर है, भी जानना चाहेंगे जो आप सब जो आइटम मिल रहा है उसका रेट कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये आइटम क्या है और इसका रेट क्या है। वैसे तो समझ लो ना, ये बेरिंग कूलर है, मैकेनिकल आइटम है। बरोबर, कोई समझ लो नया वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हो, बेरिंग कूलर निकालना हो जी जी, तो उसके पर्पस की आइटम है। 5 टन कैपेसिटी वाला बेरिंग कूलर है, हाइड्रोलिक थ्रेड वाला, हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है इसके अंदर। 4,500 का आता है, आगे पीछे भी होता है। ये चीज क्या है? वो वेल्डिंग मशीन है, 200 एम्पियर का है, उसमें से अपने पास अवेलेबल रहता है 200 का, 250 का, 400 एम्पियर, सब अपने पास सब रेंज अवेलेबल रहती है। और समझ लो 200 एम्पियर पकड़ लो आप, तो 200 एम्पियर हमारे पास 4,500 से स्टार्ट होकर 5,500 तक मिलता है। और ये पाना वगैरह के बारे में बॉक्स है वो? ये शिपका आइटम है, स्पेनर सेट, ये जर्मनी का जो सब सेट है, मेड इन जर्मनी, आप देख सकते हो, ये सब जर्मनी का पूरा बॉक्स आता है। सब स्पेनर के ऊपर भी लिखा हुआ आएगा, सब के ऊपर ये सब भी है, तो ये सब जर्मनी के टूल से इम्पोर्टेड, मतलब बरुण। इसका जी, मतलब जिसको हार्ड बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हार्ड है जी जी, जैसे भी यूज कर लो ये टिकाऊ चीज है। बरोबर, इसमें कोई गारंटी वारंटी आप देते हैं? गारंटी वारंटी तो ये शिप का आइटम है, जर्मनी का आइटम है, हम कहाँ जर्मनी चेंज करने जाएंगे। मतलब ये कोई भी ग्राहक, किसी का भी फरियाद नहीं आया, कोई एक लेके गया तो कोई ग्राहक ने फोन करके दूसरा मंगाया, तीसरा मंगाया, अभी भी किसने हमें फरियाद नहीं किया। मतलब आइटम बढ़िया रहेगा, एक नंबर क्वालिटी, कोई कंप्लेन की नहीं, कोई कंप्लेंट की गुंजाइश नहीं है। और इसके रेट भी बता दीजिए। RCC ब्रेकर है, जैसे समझ लो ये डिमोलिशन के, रोड डिमोलिशन है, कोई RCC स्लैब डिमोलिशन करना है तो उसके पर्पज में यूज में आता है। ये 5 kg वाला है, ये हिटाची का है, ये 16 kg का। रेट की बात पकड़ो तो ये 5 kg वाला है, समझ लो ये 4,000 रुपये का आता है, और 16 kg वाला है हिटाची का है जी। हिटाची का आपको पड़ेगा 8,000-8,500 का, और उसका सीजल दोनों आते हैं साथ में आएगा जी। और ये आइटम वो कट ऑफ है जी जी, कटिंग के यूज में आता है, वो सरिया कटिंग करना है आपको, कोई पाइप कटिंग करना है, वो गैरेज वाला है, कोई वर्कशॉप वाला है, उसके यूज के आइटम है। 4,500 रुपये का आता है वो कट ऑफ। और मुझे ये प्लॉट में थोड़ा एंटिक चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ें जो लंबा है, ये क्या है और इसका रेट कहाँ है और कौन सी चीज़ में यूज आता है? ये ग्रास कटर है, वैसे समझ लो किसान लोग हैं, वो किसी का गेहूँ काटना है, कोई भी समझ लो ग्रास ब्रास काटना है तो इसको ग्रास कटर बोलते हैं। ये इसमें छोटा सा इंजन आता है, 100 cc का, 60 cc का, 52 cc का, वो कोई भी एक किसान अकेले खड़ा करा पूरा कटिंग कर सकता है। गेहूँ है,
आराम से कर सकते हैं। बरोबर, मतलब 5-6 लोगों का काम एक अकेला मशीन करेगा ना? बस अकेला मशीन सही है। इसका रेट, ये जो एलईडी वगैरह दिख रहा है, इसका रेट कहाँ स्टार्ट होगा? इसमें तो कई सारी क्वालिटी आती है जो शिप से निकलता है, हम बिक्री करते हैं। हर बार समझ लो कोई भी चीज हमारी माँ, जब ये आपने वीडियो शूट किया, अभी जो आइटम है वो हर बार नहीं मिल सकता, ये आया बिक्री हो गया, बात खत्म हो गई, चेंजिंग होता रहता है। अभी समझ लो आपको जो वीडियो में देख रहा है, तो ये 200 एम्पीयर का लाइट है, ये आपके लिए पड़ेगा 500 रुपए का। बाद में इसमें छोटा बड़ा सब अपने पास आता रहता है। बरोबर बरोबर, कोई ग्राहक अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट कर सकता है। बरोबर, रेट अलग अलग रहेगा, सबका रेट अलग अलग रहेगा। मतलब इसमें भी छोटा भी एलईडी आता होगा ना, 200-250 रुपए का? हाँ आता है ना, ये समझ लो एकदम छोटा है, ये घर में ग्राहक आराम से यूज करता है। 120 रुपए में, 100 रुपए में, ऐसा अलग अलग आइटम आराम से मिलता है। और ये जो वायर है, मुझे लग रहा है कि आपका ये केबल का ज्यादा, इलेक्ट्रिक केबल का जी, तो इसका इलेक्ट्रिक केबल है ना अपने पास, जो भी आपको चाहो मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल में जी मिल जाएगा आपको, वेल्डिंग केबल मिल जाएगा, कोई कंपनी का फिटिंग करना है, कोई समझ लो घर का फिटिंग करना है जी, तो बेस्ट क्वालिटी में है ये, समझ लो 1 mm से लेकर 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, सब फ्लेक्सिबल में अपने पास अवेलेबल रहता है। और रेट की बात करें तो ये तो सब केजी के हिसाब से आता है, इसका तो रेट ऊपर नीचे और है। समझ लो कॉपर का जो भी मार्केट है, कॉपर का मार्केट अप डाउन रहता है, तो इस केबल का भी रेट 10-15-20 रुपए आगे पीछे होता है। अभी इसका रेट है 330 रुपए केजी फ्लेक्सिबल का, वेल्डिंग का भी अलग रहता है, फ्लेक्सिबल का भी अलग रहता है, वैसे सब अलग अलग रहता है। और हमारे कोई कस्टमर जत्थाबंद लेना चाहिए तो रेट में कोई फर्क रहेगा? वैसे थोड़ा बहुत रहता है, कोई लंबा इसमें गुंजाइश नहीं रहता, क्योंकि हमें भी जहाँ से जितना चाहिए उतना माल अभी जहाँ से नहीं निकल रहा है। तो फिर भी कोई भी ग्राहक को ज़्यादा चाहिए तो 15-20 रुपए का डिस्काउंट हो सकता है उस पर। दोस्तों हमारे साथ है प्लॉट के ओनर भार्गव भाई। भार्गव भाई हमें बहुत सारी चीज़ जो प्लॉट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले भार्गव भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके प्लॉट में कौन सी आइटम मिलेगी? मेरे प्लॉट में तो बहुत सारे आइटम है, कोई भी समझ लो नया वर्कशॉप कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें से 80-90% मेरे पास से मिल जाएगा, कोई भी चीज़ पकड़ लो। सब चीज़ का तो मैं छोटे से वीडियो में नाम नहीं ले पाऊंगा, मतलब वर्कशॉप के लिए, ताकि तो अपनी वीडियो में देख लीजिएगा, वर्कशॉप का सब आइटम मेरे पास मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक केबल लाइट वगैरह सभी आइटम। और रेट की बात करें तो सबका अंदाज से वो तो मैं बता दिया, वो सब पर पीस के हिसाब से आता है। इसलिए अगर कोई कस्टमर आए तो हमने वीडियो में जो रेट बताया उसमें से कुछ डिस्कस मतलब डिस्काउंट कुछ हो सकता है, लेकिन फाइनली आपको इधर आना पड़ेगा। और दूसरी ये बात कि आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं उसमें कोई प्रकार की गारंटी वारंटी किसी भी चीज़ में? गारंटी वारंटी समझ लो अलग में, ये आप अलग का वीडियो बना रहे हो, समझ लो ये फॉरेन मार्केट है, यहाँ सिर्फ पुराना माल आता है, सब ग्राहक है वो सिर्फ आइटम लेने के लिए आते हैं, उसका क्या गारंटी होएगा? समझ लो हम भी वहाँ से ओल्ड माल परचेज करके लाते हैं, ग्राहक को बिक्री करते हैं, ये कोई यहाँ की कोई कंपनी का माल नहीं है, सब फॉरेन का आइटम होता है, कोई गारंटी नहीं रहता, मतलब किसी भी चीज़ में कोई गारंटी वारंटी नहीं रहता है। मतलब आप कोई भी आइटम अगर यहाँ लेने हो तो आपको यहाँ से पूरा टोटली चेक करके ले जाना है। और दूसरी बात ये कि मेरे बहुत सारे कस्टमर जो बार बार कॉल करते हैं, मुकेश भाई मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, अलंग आया तो कोई भी चीज़ ली, और तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो किस तरह रहेगी? मतलब जहाँ से पोर्ट से मैं माल लूँगा वहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी कि हमें अपने हिसाब से करनी पड़ेगी? उसमें क्या रहता है समझ लो, अपना तो ये सब छोटा मोटा कोई भी पार्सल के हिसाब से भी अपना माल बिक्री होता है, तो ग्राहक ने कोई स्पैनर सेट ले लिया, पुटर ले लिया, कोई भी वैक्यूम ले लिया, वो छोटे से पार्सल में पैक हो जाता है, हम यहाँ से जहाँ भी बोले वहाँ वो उसको ट्रांसपोर्ट भेज सकते हैं। बाकी तो अलग का मार्केट बहुत बड़ा है, फर्नीचर वगैरह है वो सब आप पर्सनली गाड़ी लोड करना पड़ेगा, अपना आइटम तो सब ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा। बरोबर, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कोई भी कस्टमर अगर वीडियो देखेगा, और हमने जो वीडियो में टोटली आइटम शो की है विगत बार हमने डिटेल से बता दिया, लेकिन हमारा कोई कस्टमर इसमें से कोई आइटम उसको पसंद आ गया और आपको व्हाट्सएप पे वो फोटो भेजे, बरोबर, और वो कस्टमर आपको बोले कि भाई भार्गव भाई मुझे ये आइटम चाहिए, आप बोलो तो अपना अकाउंट नंबर दीजिए उसमें मैं पैसा डाल दूंगा, तो उसके लिए कैसे आप माल भेजेंगे? मतलब वो समझ लो वीडियो में कोई आइटम उसको दिख गया, उसने मेरे को क्लिक करके फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप में डाल दिया, तो रेट वगैरह करके अकाउंट में पैसा मंगवा लूंगा, बाद में यहाँ से ट्रांसपोर्ट से भेज दूंगा उसको। बरोबर, मतलब रिक्वायरमेंट हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फोटो मंगवा भी सकते हो, और इसमें से जो आपको पसंद आया तो आप स्क्रीनशॉट करके भार्गव भाई के व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको भेज सकते हो, और फोटो भेजने के बाद अगर रेट में आपको परवड़ेगा तो आप डायरेक्टली भार्गव भाई के अकाउंट में पैसे डाल देंगे, तो आपको यहाँ से पार्सल आपके एड्रेस पे, होम एड्रेस पे यहाँ से भार्गव भाई भेज देंगे, और कुरियर का खर्चा रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और क्वेश्चन रहेगा कि आपका बिजनेस का टाइम क्या रहेगा? अपना बिजनेस का टाइम पकड़ो, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 7 बजे बस,
सुबह 10 से शाम को 7 बजे करोगे? सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक। और दोस्तों एक बात मैं आपको भी ये भी बता देता हूँ, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है हमें रात को 10 बजे 11 बजे कभी 12 बजे कॉल करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक का ही बिजनेस टाइम रहता है। तो आप किसी को भी अलग में से किसी भी प्लॉट वाले को आपको नंबर मिल जाए तो आप कॉल करना चाहें या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही कॉल करें, क्योंकि यही बिजनेस टाइम होता है, इसमें ही आपको क्लियरली जवाब मिलेगा और टोटली डिटेल आपको आपको सामने वाला व्यक्ति आपको दे पाएगा। बिजनेस टाइम में कॉल करेगा तो सामने वाले को भी मजा आएगा और आपको भी टोटली डिटेल मिल जाएगा।
दोस्तों आज के ब्लॉग में हमने मुलाकात ली भगवती सेल और भार्गव भाई ने हमें टोटली डिटेल बता दी और रेट के साथ भी बता दिए। तो दोस्तों कभी भी आप अलंगी विजिट लो और मैंने जो आइटम दिखाई किसी भी आइटम में से आपकी खरीदी हो तो आप भगवती सेल्स की मुलाकात ले सकते हो। दूसरी एक दोस्तों बात, अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, ऐसे ही अलंग के दूसरे नए ब्लॉग के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मुगल, जय माता जी, जय हिंद।